हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये है कि आप लोग का एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से होने वाला है। तो देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि इतने जल्दी कैसे पूरी की पूरी तैयारी करें। अभी इतना टाइम तो रह नहीं गया है कि पाँचों यूनिट आप लोग एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। तो चलिए इसके बारे में हम आसान लैंग्वेज में बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है आप लोगों को, कम टाइम में पूरा का पूरा यूनिट भी कंप्लीट करके तैयार कर लेंगे आप लोग। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग निकालेंगे अपना सिलेबस। ये है आपका पूरा का पूरा पांचों यूनिट का सिलेबस, और आप लोग एक लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ले लेना और अपना सिलेबस निकाल लेना। तो देखना आप लोग, दो नंबर के क्वेश्चन हर एक यूनिट में कहाँ कहाँ से बन रहा है, हर एक यूनिट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपना सिलेबस निकाल लेना और एक साइड में अपना रख लेना पेपर, और देखना हर एक यूनिट में कहाँ कहाँ से दो नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल पेपर सॉल्व करके जाओ, आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छे नंबर पाने के लिए ही बात कर रहा हूँ कि आप लोग पेपर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और सिलेबस लीजिए। ठीक, उसके बाद देख लीजिए आप लोग हर एक क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से दो नंबर के क्वेश्चन उठ रहे हैं। बस वही जगह से आप लोग दो नंबर का क्वेश्चन हर यूनिट से उठा के आप लोग बस वही तैयार कर लीजिए। उसके बाद सात नंबर में आइए, दस नंबर की बात करते हैं। दस नंबर में देखिए, तीन क्वेश्चन सॉल्व करने, दो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, जो कि तीन क्वेश्चन रहता है। तो देखिए ये दस नंबर का क्वेश्चन किस यूनिट से बन रहा है। एक दो ईयर का और भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना, जिस यूनिट का ज़्यादा दस नंबर क्वेश्चन बन रहा है वो दस नंबर क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना कि इस यूनिट से ये टॉपिक दस नंबर का आ रहा है, ये टॉपिक दस नंबर का आ रहा है। तो जो दस नंबर का आ रहा है वो दो तीन टॉपिक आप लोग आराम से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद बात करते हैं सात नंबर की। सात नंबर में देखिए कहाँ कहाँ से उठा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन उठा रहा है, उसी उसी जगह से बस वही वही क्वेश्चन उसी मॉडल का, जैसे दिया गया है यहाँ पे ये उठा लिया, विनका दिया गया है, बेलाडोना दिया गया है, किसी भी आप लोग ब्रांच के हों अगर ऐसे दिया गया है तो आप लोग देखिए सिलेबस में कि ये आया है, तो अगर इस बार ये आया है तो ये आ सकता है। तो ये भी तैयार कर लो, ये भी तैयार कर लो, दोनों तैयार कर लो बस। ज़्यादा कुछ पढ़ने की और मटेरियल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन टॉपिक पर ही जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, बस इतना अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर लेंगे तो आई होप आप लोग का बैक भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग के पास नोट्स भी ना हो तो आप लोग सिलेबस निकालिए और पेपर निकालिए, बस हर एक क्वेश्चन का आंसर गूगल पर डाल डाल के अपना सभी का आंसर एक कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिखने के बाद पूरा आराम से तैयारी कर लीजिए। एग्जामिनेशन में बैक तो नहीं आएगा, वैसे भी अच्छा नंबर आ सकता है अगर आप लोग ये तरीका अपनाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर को रख के देखिए हर एक यूनिट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, बस यही आप लोग को काम करना है। और कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके लिए भी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, हो सकेगा जितना रिप्लाई कर पाऊंगा जरूर बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास ये जरूर शेयर कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।